57 Seconds, ये एक sci-fi thriller फिल्म है जो Book My Show पर हिंदी में रिलीज हुई और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे फ्रैंक की कहानी, जो एक टेक ब्लॉगर है और एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है और फ्रैंक को ये मौका उस वक्त मिल जाता है जब उसको एक ऐसी रिंग मिलती है जिसके जरिए वो 57 सेकंड्स पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो क्या अब फ्रैंक अपनी बहन की मौत का बदला ले पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये फिल्म एक बी ग्रेड साइफाई थ्रिलर है जिसमें आपको टाइम ट्रेवल का यूज तो देखने को मिल जाएगा लेकिन ये एक बहुत ही सिली और स्टूपिड फिल्म है। अगर आप अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर भी ये फिल्म देखेंगे तो भी आप इस फिल्म में चल रही स्टूपिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहानी में इतने लूप होल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। फिल्म देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी स्कूल स्टूडेंट ने अपनी पहली साइफाई कहानी लिखी है और उस पर फिल्म बना दी है। इस पूरी फिल्म में सिर्फ मॉर्गन फ्रीमैन ही इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है, उसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है। ना अच्छी स्टोरी है, ना अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ना एक्शन है, ना थ्रिल है। ये एक फ्लैट, बोरिंग और स्टूपिड बी ग्रेड साइफाई फिल्म है जिसको देखकर आप अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। शुक्रिया।